Dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Indika Vidya. Today, I am discuss about the various questions related to the organism and populations. Ecology unit beta is contain 4 chapters. Every chapter is very important. और हर साल जो है इस चैप्टर से बेटा पूरी यूनिट्स अगर हम लोग बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इकोलॉजी बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लेकिन इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चन बेटा एक एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेटेड बाय डार्विन, नहीं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी डार्विन साहब ने, ठीक। जी एफ गॉस, किसने दिया था बेटा, गॉस का नियम है ये, ठीक है। मैक आर्थर, नहीं, और वाज हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया था जो इन्होंने, लेकिन इसमें ऑप्शन जाएगा बेटा गॉस। सेकंड देखें, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइकेन जो एग्जांपल होते हैं बेटा ये म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल होते हैं, किसके होते हैं, म्यूचुअलिज्म के। दोनों स्पीशीज का फ़ायदा होता है, दोनों बेनिफिटेड होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी दोनों ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, कह रहा है कि गॉस प्रिंसिपल्स ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स डैट, ठीक, पहला है कंपटीशंस फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फॉर प्रेफरेंस, फूड रेफरेंस, प्रेफरेंस नहीं। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई इन द सेम नीचे इनडिफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, यस, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कोई दो स्पीसीज एक जगह पे नहीं रह सकती क्योंकि जो सुपीरियर होगा वो हमेशा इन्फीरियर वाले को रिमूव करेगा और ये दुनिया का बेटा कानून है, हमेशा ऊपर वाला अपने नीचे वाले को हटाता है, ठीक है ना, ये दुनिया का कानून है। जो बड़ा होता है वो हमेशा अपने नीचे वाले को दबा के ही रखता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे। लार्ज ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वंस, ये कॉर्नेल एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है। लार्ज बर्नाइकल्स होते हैं, छोटा चैथामेलस होता है, बी से बर्नाइकल्स, सी से चैथामेलस, बड़ा वाला छोटे वाले को हटा देता है, ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर क्या है, इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस है, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ होता है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉलर साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, तो बेटा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी हो स्मॉल साइज में क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस जितना ज़्यादा, आर जितना ज़्यादा होता है डार्विन की थ्योरी उतनी ही अच्छी, नेचुरल सिलेक्शन यानी उतना ही बढ़िया होता है, तो लार्ज साइज यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, ठीक है, हाई आर वैल्यू है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव फिटनेस उतनी ज़्यादा है, ठीक है ना बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, कह रहा है कि एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट्स दी, एबायोटिक फैक्टर्स, चार एबायोटिक फैक्टर होते हैं, चार बायोटिक फैक्टर होते हैं, चार एबायोटिक फैक्टर की अगर हम लोग बात करें बेटा तो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल एंड लाइट एंड सॉयल, ठीक है ना। टेम्परेचर के बारे में आप पढ़िएगा, टेम्परेचर जो होता है जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो कम होता है, जब हम लोग प्लेन से माउंटेन टॉप पर जाते हैं तो कम होता है, ठीक है ना। मैंगो ट्रीज डू नॉट और कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट काउंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, ठीक, और जो है टाइगर की स्पीशीज स्नो लियोपार्ड नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, टूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन, ये सब एग्जांपल याद रखिएगा। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है कौन सा बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है ना, स्टीनो थर्मस और यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, यूरी थर्मल बोलते हैं, स्टीनो को हम लोग स्मॉल टेम्परेचर पर, ठीक है। वाटर में अगर हम लोग देखें, वाटर बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है वाटर के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद लाइट की अगर हम लोग बात करें, लाइट भी बेहतरीन सोर्स है, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, जो स्मॉल प्लांट होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि लार्ज प्लांट कवर कर लेते हैं जो है स्मॉल प्लांट को, ठीक है, और ये सब याद रखिएगा, ठीक है। सॉइल में भी इम्पोर्टेंट फैक्टर थे,
तो ये सब याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही, फिजियोलॉजिकल ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो ऑल ऑफ दीज होगा। इन एन एरिया देर आर 200 पार्थिनियम, ठीक, एंड अ सिंगल बनियान ट्री, विच ऑफ दी फॉलोइंग कंक्लूजन इज आर करेक्ट। अगर पहला कह रहा है बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान ट्री इज लो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपान स्पेस, या हम लोग कहें नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपान एरिया, कितने एरिया की बात हो रही है। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं बेटा किसी एक पार्टिकुलर एरिया की बात करते हैं कि ये एरिया है, इसमें जो है मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया हमने ले लिया, 1 किलोमीटर के अंदर 200 पार्थिनियम है, क्या है बेटा 200 पार्थिनियम है, और इसी 1 किलोमीटर के अंदर जो है एक बनियान ट्री है, ठीक। तो एरिया तो सेम हो गया बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करेगी। अगर हम लोग पार्थिनियम का देखें 200 डिवाइड बाई 1 कितना आया, पॉपुलेशन डेंसिटी 200 आया। बनियान ट्री की बात करें 1 है, 1/1 इज इक्वल टू 1 आया, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी बनियान ट्री की बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग देखें जो है पार्थिनियम कम्युनिटी में उतना बढ़िया रोल नहीं प्ले करता है जितना बढ़िया रोल प्ले करता है जो है बनियान ट्री। तो यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, पॉपुलेशंस कवर एरिया ऑफ बनियान इज हाई, ठीक, और एबव केस परसेंटेज कवर एरिया बाय मास इज मोर मीनिंगफुल देन द पॉपुलेशन साइज, यस। तो इसमें बेटा जो है ऑप्शन जो करेक्ट होंगे ऑल ऑफ दीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इफ देयर आर नॉन लिमिटिंग और अनलिमिटेड कंडीशंस, अगर अनलिमिटेड फूड है बेटा, खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एबंडेंट है स्पेस, हमारे पास अवेलेबल है फूड अवेलेबल है, तो स्पीशीज क्या करेगी, मैक्सिमम मल्टीप्लाइकेशन होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगी, ठीक है ना। यानी रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाते हैं बेटा, ठीक, तो हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि नेटलिटी इंक्रीजेस, नेटलिटी यानी बर्थ रेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, मॉर्टलिटी कम हो जाएगी, मरेंगे नहीं लोग, क्योंकि जो भूख से मर जाते हैं 55% हंडर पॉपुलेशन जो होती है हमारी, उनको जो है रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, फूड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंट होते हैं, ठीक है ना जो है, और मॉर्टलिटी इंक्रीजेस नहीं, यानी बेटा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएटली डिफाइंड होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स ओनली फूड शेल्टर टू अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्रोवाइड करता नहीं। दूसरा है अमेंसलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, अमेंसलिज्म में बेटा एक का घाटा होता है, एक का कुछ नहीं होता है, एक का घाटा होगा एक का कुछ नहीं होगा, यानी नेगेटिव एंड जीरो, यानी गलत हो गया। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म जो शिकार होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा किल करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 देंगे, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लाइव इनसाइड ऑन द बॉडी और अदर ऑर्गेनिज्म मेक इट, यस। पैरासाइट जो होते हैं इंडो पैरासाइट होते हैं, इक्टो पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हैं बेटा, यानी हम लोग सेकेंड ऑप्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कह रहा है कि स्पीशीज लेवल, पॉपुलेशन लेवल, इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल, आउट ऑफ द लेवल गिवन एट विच लेवल सिलेक्शन ऑपरेट्स, हमेशा बेटा जो सिलेक्शन होता है वो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना, पार्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फीमेल फिग वैस इंटरेस्ट दी फिग पॉइनेट्स दी, अब फीमेल जो हम लोग मॉस्क वैस्प की बात करें और फिग की बात करें, तो इन दोनों में बेहतरीन जो है म्यूचुअलिज्म देखने को हम लोगों को मिलता है, एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकती, जो भी स्पीशीज़ होती हैं पॉइनेशन भी झमाझम होना चाहिए, ठीक है। तो
तो फिक टू पॉइंट लाइफ साइकिल इंट्रैक्शन बिटवीन फ्यू एंड एस्पेक्ट्स, ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल होते हैं बेटा, यानी ओनली फर्स्ट होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कह रहा है बेटा मीजोथम्स। मीजोथम्स ऐसी कंडीशंस जहाँ पे जो है बिल्कुल बीच की कंडीशंस हो, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यानी पानी भी मौजूद हो और टेम्परेचर भी दोनों इक्वल अमाउंट में हो, तो उसको हम लोग मेसोथर्मस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिलती है बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन में। अगर हम लोग देखें पहले कौन सा रीजन आता है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के पास होता है, फिर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, उसके बाद जो है पोलर रीजन, ठीक है। उसके बाद माइक्रोथम्स कंडीशन। माइक्रोथम्स कंडीशन जो होती है, यानी माइक्रो मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बेटा कम हो, माइक्रो मतलब होता है कम, ठीक है ना। तो बी का कौन सा ऑप्शन जाएगा बेटा, यानी सेकेंड ऑप्शन, टेम्परेट रीजन, ठीक है। हेकिस्टोथम्स, ठीक है, हम लोग किस रीजन को, आर्कटिक रीजन को बोलते हैं, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग, कह रहा है कि टैगरा, ठीक है, टैगरा जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉनिफेरस रीजन जो है, तो इसमें अगर हम लोग देखें रेनफॉल का क्राइटेरिया क्या है, तो टैगरा में अगर हम लोग देखते हैं बेटा 100 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल होती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक। अगर हम लोग टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है ना, टेम्परेट में अगर हम लोग देखें 75 to 150 सेंटीमीटर होती है, उससे भी कम, ठीक है। चैपराल, चैपराल क्या होता है बेटा, जहाँ पे लार्ज लीफी स्टेज होती है, यानी श्रब्स, हब्स, ये सब रीजन होते हैं, वेट रीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जो है चैपेरल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी अगर हम लोग देखें सी का बेटा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे जो है हॉट कंडीशन होती है, ठीक है। तो 50 to 70 सेंटीमीटर, ठीक है, ग्रास लैंड एंड सन्ना क्या होगा, 25 to 75 सेंटीमीटर, यानी बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, मीजो मतलब बीच में, जीरो मतलब सूखा हुआ रेगिस्तान एरिया, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स यानी मैच करिए बेटा वेट हैबिटेट, ठीक है, मीजो मतलब मॉइस्ट हैबिटेट, जीरो मतलब सूखी हुई कंडीशन यानी रेगिस्तान, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि मैच दी फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। बर्गमैन रूल्स, बर्गमैन रूल अप्लीकेबल किसके लिए होता है बेटा, अगर हम लोग देखें तो ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ मैमल्स नहीं, साइज ऑफ बर्ड मैमल्स, किसके लिए होता है, साइज, साइज ऑफ बर्ड मैमल्स के लिए। एलेंस रूल आपको पता है एक्सट्रीमिटीज़ के लिए होता है, लिम्स जो हम एलेंस रूल कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ईयर्स जो होते हैं लिम्स छोटे रह जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। और अगर हम लोग देखें रांस्ट रूल जो है ये होता है बेटा नैरो विंग्स ऑफ बर्ड्स के लिए, और जॉर्डन्स रूल वर्टिब्रेट फिश के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा कौन सही होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स, हाइग्रोफाइट्स, हाइग्रो मतलब वाटर, ठीक है, तो एक्सेस वाटर इन गट्टेशन, मीजोफाइट्स दोबारा से बीच की कंडीशन आ गई बेटा, ठीक है, यानी लग्जोरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी मीजोफाइट कंडीशन में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जीरोफाइट मतलब सूखा हुआ, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा कौन सा फर्स्ट इसका सही होगा। 16 देखें, डाइअर्नल, नॉक्टर्नल, आर्बोरल एंड वस्परल। डाइअर्नल का मतलब होता है जो रात में एक्टिव हो, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, नॉक, डाइअर्नल दिन में बेटा, नॉक्टर्नल रात में, ठीक है ना। आर्बोरल, आर्बोरल जो होते हैं बेटा ये जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डॉन, ठीक, डॉन का मतलब क्या होता है कि पहली लाइट सन की जो ज़मीन पे पड़ती है, बिफोर सूरज निकलने से पहले जो लाइट आती है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। वेस्परल एक्टिव ड्यूरिंग डस्क, डस्क का मतलब होता है कैंडल लाइट, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, पिंक कॉटन बॉल वॉर्म,
पिंक कॉटन बॉलवॉर्म जो होते हैं बेटा, डायापॉज की कंडीशन, जू प्लैंक्टन भी किस कंडीशन में जाते हैं, डायापॉज की कंडीशन में। स्नेल्स जो होते हैं ये बेटा, एस्टिवेशन समर रिलेटेड स्लीप होती है। पोलर बियर्स बियर बेशन यानी हाइबर नेशन, विंटर स्लीप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, फर्स्ट। ये सब जितने भी मैच वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, अगर दो ऑप्शन आपको आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कह रहा है टीन मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स, मॉर्टिलिटी मर जाना, इमिग्रेशंस इनकमिंग आना, इमाइग्रेशन एग्जिट हो जाना। तो आप ऑप्शन मैच करा लीजिए बेटा, कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हम लोग, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड फूड और स्पेस है, अवेलेबिलिटी है, ग्रोथ बहुत झमाझम होती है, ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि ये कर्व जो होता है जे शेप होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें स्लो ग्रोथ होती है, एस शेप यानी सिग्मोइड कर्व आता है। कौन सा कर्व आता है बेटा, सिग्मोइड कर्व, ठीक। इसमें जो होता है लैग फेस, लॉग फेस और स्टेशनरी फेस, ठीक है, लैग लॉग और स्टेशनरी फेस आते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में अगर हम लोग देखें, सिग्मोइड ग्रोथ बिल्कुल सही, वर्ल्ड्स हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, डी एस का फार्मूला जो होता है बेटा, डी एन अपान डी टी इज इक्वल टू आर एन कन बाई के, कनक याद रखिएगा, ठीक है, डी एन अपान डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो इसमें क्या होता है, कन बाई के याद रखिएगा, कनक याद रखिएगा आप, ठीक, डी एन अपान डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के या कनक, कनक याद रखिएगा, ठीक है। और इसका क्या होता है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, इस पे क्वेश्चन भी अभी लगवाएंगे हम, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, जे शेप्ड है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ हम लोग कहेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कह रहा है कि इक्टोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट कौन होता है बेटा, लाइस, ठीक। इंडो पैरासाइट जो इनसाइड में पैरासाइट हो, इक्टो का मतलब होता है आउटसाइड पैरासाइट, जैसे हमारे हेड में, ठीक है, जुएं पड़ जाते हैं ना, और इंडो पैरासाइट का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, जैसे एस्केरिस। ब्रूड पैरासिटिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है समर में, और कुकू में देखने को मिलता है, कुकू कोयल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी मैच कर लीजिए आप बेटा, ऑप्शन 4 सही है। 21 देखें, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस एंड एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म जो हम लोगों को देखने को मिलता है, दोनों स्पीशीज का फायदा होता है, हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अगर हम लोग देखें ऑर्किड्स, इपीफाइट्स ऑफ एन मैंगो ब्रांच ऑर्किड्स, ठीक, ऑर्किड ओफायरस में हम लोगों को देखने को मिलता है म्यूचुअलिज्म, इपीफाइट आने मैंगो इसमें हम लोग कमेंसलिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। और हम लोग टिक्स ऑन डॉग ये किसके हैं बेटा, पैरासिटिज्म के हैं, ठीक। तो ए का जो है 5 होगा, बी का 4th होगा बेटा, सी पैरासिटिज्म की बात करें तो टिक्स ऑन डॉग फर्स्ट होगा, ठीक है। कंपटीशंस, कंपटीशंस किसके किसके में, बैलनस और चैथामेलस, ठीक है, जो बैलनस लार्ज होता है, चैथामेलस छोटा होता है, ठीक है ना, कॉलन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और प्रिडेशंस यानी शिकारी, स्पैरो एंड एनी सीड, स्पैरो जो सीड को खाती है, ये शिकार करती है उसका, नो लेस, इसको हम लोग प्रीडेटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग 22 का देखें, जो है मैच दी फॉलोइंग क्रम, इपीफाइट्स, इपीफाइट्स का मतलब होता है जो एक के ऊपर ग्रो करे, मैंगो ट्री ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री, मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है, ऑर्किड उसके ऊपर ग्रो कर जाता है, इपीफाइट्स बोलते हैं। ग्रेजिंग कैटल, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिलता है कैटल इग्रेट। आपने विलेज में देखा होगा बेटा, जब कभी भी ट्रैक्टर चलते हैं या कैटल्स होते हैं जो मूव करते हैं, तो जो फ्लश
जमीन से निकलता है उसके पीछे आपने देखा होगा बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जबकि जो है इसमें एक का फायदा हो रहा है, एक का कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, बर्ड्स को फायदा हो रहा है जबकि जो कैटल्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं। तो जो भी फ्लेशेस यानी इंसेक्ट्स वेजिटेशंस या सीड्स वेजिटेटिव सीड्स निकलते हैं वो बर्ड्स खा लेती हैं, बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, देखा होगा आपने जो है। और सी एनिमोन जो है क्लॉन फिश, ये भी जो है एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, सी एनिमोन ये हैं कमेंसलिज्म के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और इसका ऑप्शन अगर मैच कराइए आप तो बेटा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखें, अगर हम लोग कह रहा है रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया पैरासाइट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें रेफ्लिसिया फाइटो पैरासाइट। ठीक, हाइपर पैरासाइट की अगर हम लोग बात करें तो हाइपर पैरासाइट इंडो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, लाइस की अगर हम लोग बात करें इक्टो पैरासाइट होते हैं, अभी पढ़ा, टीनिया इंडो पैरासाइट होते हैं, रैट फ्ली। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप, क्रिप्टिक अपियरेंस। क्रिप्टिक अपियरेंस का मतलब होता है बेटा किसी ऐसे बैकग्राउंड में छिप जाना जिसमें पहचानना बहुत मुश्किल हो, कमोफ्लेज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टिक अपियरेंस लीफ लाइक ग्रास होफर में पाया जाएगा। मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब होता है अपने आप को बचाना किसी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना, तो मोनार्च बटरफ्लाई में हम लोगों को देखने को मिलता है, ये क्या करती है, सीड को खा लेती है अपने कैटरपिलर स्टेज में, जब बर्ड इसको खाने आती है तो ये पॉइजनस हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब हाइबरनेशन यानी बेटा सी का हो जाएगा सेकेंड, सी का सेकेंड क्लियर, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। ठीक है, अब हाइबरनेशन, हाइबरनेशन जो देखने को मिलता है बेटा वो हम लोगों को देखने को मिलता है नॉर्थन ग्राउंड स्क्वायरल में, और एस्टिवेशन जो देखने को मिलता है ग्राउंड स्क्वायरल में। क्लियर है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 की बात करें, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं बेटा इसमें 200 से 300 सेंटीमीटर, रख लीजिएगा आप 200 से 300 सेंटीमीटर ये रेनफॉल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में अगर हम लोग देखें तो 90 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने में, टेम्परेट वाले में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो है बेटा 100 to 250 टाइम्स, और टेम्परेट नीडल फॉरेस्ट में देखें तो 50 to 170 सेंटीमीटर। यानी अगर हम लोग देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पहला ऑप्शन होगा बेटा 200 से 300। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में अगर हम लोग देखें 90 to 100। टेम्परेट बोर्ड लीव्ड फॉरेस्ट में अगर हम लोग देखें तो 100 to 250 सेंटीमीटर, और लास्ट वाले में अगर हम लोग देखें तो 50 to 170 सेंटीमीटर, ये रख लीजिएगा आप। ठीक है, हाइबरनेशन इज शोन इन, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप हम लोगों को फ्रॉग में देखने को मिलता है, बियर में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें, कॉज ऑफ डेथ ऑफ मैराइन फिश केप्ट इन फ्रेश वाटर एक्वेरियम। अब बताइए मैराइन ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम फ्रेश वाटर में रख दें, कोई मैराइन ऑर्गेनिज्म है, फिश है। ठीक है, ये फिश जो है मैराइन में है, यानी इसकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज़्यादा। और इसको फ्रेश वाटर में अगर रख दें, किस में रख दें बेटा, फ्रेश वाटर में इस फिश को हमने रख दिया। अब बताइए पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इंड आसमोसिस होगी, ये फूल जाएगी, बस्ट कर जाएगी, इंड आसमोसिस विल अक्कर, इट विल स्वेल। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, थर्मो यानी थर्मो स्टेबल इंजाइम्स आर फाउंड इन थर्मस एक्वेटिकस में पाया जाती है। 29 देखें, द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन बट नॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, सेलेक्ट दी स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन बेस्ट पैरासिटिज्म।
वन ऑर्गेनाइजेशन इज बेनिफिटेड बोथ, एक का फायदा होगा बेटा एक का घाटा होगा, ठीक है। 31 देखें, ऑटो इकोलॉजीज, ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है कि रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन इट्स इन्वायरमेंट, नहीं रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट, कॉल ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। 32 देखें, इकोटोन इज, इकोटोन क्या है, इकोटोन हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है बेटा पॉन्ड है, इसके अंदर फिश रह रही हैं, ठीक, और ये लैंड है, कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन जोन आएगा जहाँ पे लैंड और वाटर, ये क्या है बेटा वाटर है, लैंड और वाटर आपस में मिले, इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन, क्या बोलते हैं इकोटोन, यानी ट्रांजिशंस बिटवीन टू कम्युनिटीज़ या पार्टिसिपेशन ऑफ द टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोटोन, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अ जोन ट्रांजिशन बिटवीन कम्युनिटीज, थर्ड ऑप्शन होगा। 33 देखें, बायोस्फेरिज, बायोस्फेरिज अ कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम कंपोज ऑफ द प्लांट ट्री प्रेजेंट इन द सॉइल, लाइफ इन द फुल आउटर स्पेस, नहीं, कंपोज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरैक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। बायोस्फीयर हम लोग सबको बोलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और वो फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन होगा। 34 देखें, कह रहा है इकोलॉजिकल नीचे इज, इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है बेटा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्लांट है और ये एनिमल है, ठीक। एनिमल की प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ऑक्सीजन इनटेक, प्लांट की क्या है CO2 इनटेक, इसी को हम लोग बोलते हैं नीचे, यानी हर ऑर्गेनिज्म की, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, सबकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ठीक है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, पहला सरफेस एरिया ऑफ द ओशन नहीं, इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन नहीं, फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज विद द कम्युनिटी, यस फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, अकॉर्डिंग टू द एलेंस रूल द मैमल्स आर फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स आर शॉर्टर ईयर्स और लिम्ब होंगे, दोनों शॉर्ट होंगे बेटा। 35 का फोर्थ होगा। 36 देखें, साल्ट कंसंट्रेशन सलिनिटी ऑफ द मेजर्ड पार्ट्स, पहले तो ये पूछा जाएगा आपसे, सलिनिटी मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, नहीं पार्ट्स पर थाउजेंड में, ठीक है ना। हाइपर सिलाइन लेगून का जो होती है सलिनिटी मोर देन 100 होती है, सी की 30 to 35 होती है, और नॉर्मल जो हमारा वाटर आता है उसकी 3 to 5 होती है। तो आप ये याद रखिएगा बेटा, डाटा आपसे पूछा जा सकता है। 37 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मैन एनुअल टेम्परेचर एंड अदर मैमल प्रेसिपिटेशन, ये भी याद रखिएगा, 18 to 25 डिग्री सेल्सियस 150 to 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, ठीक है। 37 का फर्स्ट होगा। 38 का अगर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल्स द लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो लोग बेटा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, छोटे प्लांट नहीं पा पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्कार सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लेटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क, ठीक है। अगर कोई प्लांट है, मान लीजिए एक इन्वायरमेंट में रह रहा था, जैसे ये आप देखिए, ये बड़े बड़े प्लांट हैं इस तरीके से, ठीक है, एक बड़े प्लांट, दूसरे बड़े प्लांट ये हैं, ये लोग और यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट हैं। अब बताइए, ये लोग यहाँ पे अडेप्ट कर चुके हैं, इनको कम लाइट मिलेगी, जब यहाँ से लाइट चलेगी तो ये लोग तो ऑक्यूपाई कर लेंगे लाइट को, है कि नहीं, ये लोग जो है लाइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यहाँ पे लाइट कम आएगी, जब यहाँ पे लाइट कम आएगी, ये लोग अडेप्ट कर चुके हैं इस इन्वायरमेंट में, अगर इसको उठा के कहीं और इन्वायरमेंट में आप रखेंगे जहाँ पे लाइट इनको पूरी तरीके से मिलने लगे, तो ये लोग अपना स्ट्रक्चर तो अब मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे प्लांट हैं, अब इसको उठा के आपने डायरेक्ट यहाँ रख दिया तो इतनी ज़्यादा लाइट आएगी कि इसको क्या करेगी, मार डालेगी, क्लोरोफिल इसका डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि वो अडेप्ट कर चुका है एक कंडीशन में, ठीक है ना बेटा। तो इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज द चेंज इन इट्स माइक्रो क्लाइमेट, आपने उसके क्लाइमेट में चेंज कर दिया।
ठीक है 40 देखें, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पार्थेनियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पहले कितने थे बेटा ये, अगर हम लोग देखें पहले हैं ये 50, ठीक, उसके बाद कितने हो गए, तो कह रहा कि कितनी पॉपुलेशन में चेंज हुआ। ठीक है, पहले थे 50 बेटा, 150 और ऐड हो गए, कितने हो गए ये टोटल 200 हो गए। ठीक है, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में क्या हुआ, पहले 50 थे, 150 इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो 200 हो गया। 50 पर हार नहीं भाई, पहले कितने थे ये 50 थे, पहले 50 हैं, ग्रोथ रेट का मतलब था चेंज, ठीक है ना, उसके बाद हो गए 150, तो आप माइनस कर लीजिए 150 माइनस 100, हमेशा चेंज बड़ा माइनस छोटा होता है, तो कितने हो गए ये 100 हो गए, 100 हो गए, तो यहाँ पे बेटा जो है कितने हो जाएंगे 100, क्योंकि हमेशा ग्रोथ रेट चेंज होता है बड़ा माइनस छोटा, तो कितने आ रहे हैं बेटा 100। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है कि पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स, नहीं दूसरा 41 कह रहा है कि व्हाट वुड बी दी परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो बर्थ रेट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग देखें बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ कितने हुए 100, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है बेटा 50 है, इनटू परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 से हम लोगों को क्या करना है मल्टीप्लाई, परसेंटेज में निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, ये हो गया 2 इंटू 100, कितना आएगा बेटा 200, ठीक है, तो कितना होगा बेटा 200 होगा। एक बार और समझ लीजिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन कितनी, इनिशियल तो 50 था, ठीक है ना, इनिशियल कितना था 50 था, बाद में 150 और हुए तो चेंज पूछा था पहले, तो 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 आया था। अब उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ, बर्थ कितने हुए 100 की बर्थ हुई, कितने पहले थे 50 थे, इंटू 100 से परसेंट में निकालना, इस वजह से, नहीं तो हम लोग वैसे अगर निकालते सिर्फ बर्थ रेट पूछता तो बर्थ रेट क्या आता बेटा 2 आता, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, कह रहा है कि अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू दी ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड बी दी स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर। ठीक है, पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स हैं, तो जाहिर सी बात है क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, 43 हम लोग देखते हैं, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज फॉर टाइगर सेंसेस आवर कंट्री नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। हम लोग अगर किसी की पॉपुलेशन मेजर करनी है बेटा तो हम लोग लायन को तो ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि आप ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है आपकी डेथ हो जाए, तो आप नहीं ढूंढ सकते, तो हम लोग उसके पग मार्क्स यानी उसके पैरों के निशान और फीकल मैटर से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एरिया में कितने पॉपुलेशन इनकी है। अगर फिश की पता लगाने गए आप किसी रिवर की, किसी जो है पॉन्ड की, तो आप जो है लगाएंगे उसमें कटिया, आपने सुना होगा जो है हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जाल लगाना, ठीक है, आप जाल लगाएंगे जब वहाँ पे, ठीक है, नेट का यूज़ करेंगे, जितनी फिशेस आ गई, ठीक है, अगर फिशेस ज़्यादा आ रही हैं, नहीं नंबर ऑफ रेट एक मिनट में आपको एक फिश आ गई तो आप अंदाज लगा लेंगे, आप खुद गेस कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन फिश की क्या है बेटा ज़्यादा है, ठीक है ना, स्टिक की बनाई जाती है, ठीक है, नीडल्स का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। और हम लोग बात करें अब यानी जो है पग मार्क्स हो जाएगा। 44 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट। ठीक है, डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी तब घटेगी जब इमिग्रेशन मोर देन नेटलिटी मोर देन मोर्टिलिटी हो, बढ़ेगी मोर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन, यानी मोर्टिलिटी लोग मरे भी और एग्जिट हो जाएं, बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज करेगी पॉपुलेशन। अगर कोई एरिया कॉलोनाइज हो रहा है तो उसे मोर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमिग्रेशन और नेटलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45 देखें, प्रोटोजोअन्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी नंबर ऑफ प्रोटोजोअन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर सिक्स जनरेशन? सिक्स जनरेशन के बाद कितने हो जाएंगे बेटा? ठीक है, तो सिक्स जनरेशन के बाद अगर हम लोग देखें, ठीक, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 34, ठीक है ना? तो सिक्स जनरेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? 64 पॉपुलेशन हम लोगों को मिलेगी, ठीक है? क्योंकि बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक, या तो आप ऐसे करिए जो है, ये एक इंडिविजुअल है, डिवाइड किया, दो बनाया, फिर ये डिवाइड करेंगे, बाइनरी फिजन हो रहा है, ये दो, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक, तो ये टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, आपको करने में, तो ऐसे बहुत टाइम लग सकता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि इन सन 2005 फॉर ईच ऑफ द 40 मिलियन पॉपुलेशंस पाई जा रही थी, जबकि इतना इतना है, और यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो dn अपान dt इज इक्वल टू होता है बेटा rn, तो dn अपान dt इज इक्वल टू होगा, r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बर्थ माइनस डेथ इंटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो dn अपान dt इज इक्वल टू बर्थ कितना हो रहा है बेटा, बर्थ हो रहा है 0.028 माइनस 0.008 इंटू एन, क्लियर। तो डी एन अपान डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे बेटा 0.008 को, तो 0.02 क्या आएगा बेटा, इसको माइनस करने के बाद 0.02, ठीक है, इंटू एन, नंबर कितना है 14 मिलियन है, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें, ये दशमलव है बेटा। अब डी एन अपान डी टी, डी टी क्या है, टाइम का चेंज है, सन 2015 कब तक पूछा है, 5 से 15 तक, तो 2000 हम लोग माइनस कर लेंगे, कितना आएगा बेटा 10, ठीक है ना। तो डी एन अपान डी टी 10 आ गया, इज इक्वल टू 0.02 इंटू 14 इंटू 10, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 इंटू 14, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 आएगा, कितना आएगा बेटा 2.8 मिलियन, कितना आया 2.8 मिलियन, दिख रहा है, देखो कुलसुम यहाँ नीचे 2.8 मिलियन, ठीक है। अब ये 2.8 मिलियन आया, क्या हमारा डी एन इज इक्वल टू 2.8 मिलियन, पहले कितना था 14 मिलियन था, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, आएगा 16.8 मिलियन, यानी अप्रॉक्सीमेट कितना बेटा 17 मिलियन आएगा, क्लियर है। तो हम लोग 17 मिलियन लगा देंगे। 47 देखें, अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर, अमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा, एक स्पीसीज का हार्म होगा अदर अनअफेक्टेड, ठीक है। लाइकेंस इज आर एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन जो है फंगस एंड एल्गी के बीच में एसोसिएशन होता है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बोलते हैं हम लोग। 49 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, जो होता है संडाल उड होती है बेटा। 50 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पान, बनाना प्लांट एक बार, और बैम्बू स्पीसीज एक बार, ठीक है, सलमॉन फिश एक बार, ठीक है, ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए बेटा, जैसे कन्फर्मर से, रेगुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मैं बता दे रहा हूँ। जो रेगुलेटर होते हैं बेटा, रेगुलेटर हमेशा ओनली 1% होते हैं। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ये होते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है ना। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे कन्फर्मर होते हैं, यानी ऑल, नियरली ऑल प्लांट्स एंड 99% एनिमल्स आर कन्फॉर्मर्स, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसी वजह से कहा जाता है कि हॉट क्लाइमेटिक, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में स्मॉल एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो थर्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी को जनरेट नहीं कर पाते हैं। थर्मो रेगुलेशन के लिए चाहिए होता है लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मेटाबोलिज्म की जरूरत पड़ती है, मेटाबोलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, तो स्मॉल एनिमल का मेटाबोलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इस वजह से वो लोग जो है कोल्डर कंडीशन को छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंडीशन में,
ठीक है, हम लोगों ने माइग्रेटर्स भी नहीं पढ़ा। माइग्रेटर्स में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी लॉन्ग माइग्रेशन हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जो है भरतपुर राजस्थान में थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया अंदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थ रीजन्स, ठीक है, वहाँ आती है। जो लॉन्ग हमेशा माइग्रेशन जो है टेम्परेरी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में नहीं कवर हुई थी, तो मैं कवर कर दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो आप जो है इसको याद रखिएगा बेटा, जो है बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और क्वेश्चन इकोलॉजी से भरपूर पूछे जाएंगे आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।